बात करते हैं हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन बाय सिंथेटिक रिएक्शंस और बायो ट्रांसफॉर्मेशन बाय नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशंस बाय नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। इसमें मुख्य रूप से आएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, हाइड्रोलिसिस, साइक्लिजेशंस और डी साइक्लिजेशंस। ऑक्सीडेशंस की यदि बात की जाए तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को एडिशन करते हैं और हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं जिस रिएक्शंस में, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं और नॉन सिंथेटिक कहा जाता है। ये सब जितने भी नॉन सिंथेटिक आते हैं, जबकि सिंथेटिक की बात करेंगे तो कंजुगेशन रिएक्शन है जिसमें कुछ चीज ऐड की जाती है, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड किया जाता है या अमाइनो ग्रुप को ऐड किया जाए, चाहे फिनोल ग्रुप या किसी स्ट्राइडल को सल्फेटेड किया जाए, किसी चीज को ऐड किया जाता है, ग्लाइसिन को ऐड किया जाए, एपॉक्साइड को ऐड किया जाए, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है किसी ग्रुप का, यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सीजन है। एक तरह से कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। रिडक्शंस में भी हम देखेंगे रिमूवल करते हैं ऑक्सीजन का, एडिशन करते हैं हाइड्रोजन्स का, किसी ग्रुप का यहाँ पे एडिशन नहीं है। हाइड्रोलिसिस में क्लीवेज होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का बाय टेकन ऑफ द वाटर्स, और साइक्लिजेशंस में फॉर्मेशन होता है रिंग स्ट्रक्चर का, और डी साइक्लिजेशन में कोई भी रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ बायो ट्रांसफॉर्मेशंस में नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस है जिसमें सिंपली रिएक्शंस हो रही है, जिसमें किसी दो केमिकल्स का एडिशन या रिमूवल नहीं है, कोई केमिकल यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, कंजुगेट नहीं कर रहा है, या सिंपली जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव आते हुए दिखते हुए, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव है, कोई चीज का एडिशन नहीं है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन में बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, फिर असाइटिलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन और ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। यहाँ कंजुगेशन का मतलब है कोई चीज का एडिशन हुआ किसी स्ट्रक्चर में, कोई बड़ा सा ग्रुप जो ऐड हुआ वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखेंगे कि कंपाउंड विद हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंजुगेट विद द ग्लूकोरोनिक एसिड, मतलब वो कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल होता है OH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, उस स्ट्रक्चर में ग्लूकोरोनिक एसिड का कंजुगेशन होगा, वहां पे एडिशन मिलेगा। एसिटाइलेशन की बात की जाए तो जिस कंपाउंड में अमाइनो या हाइड्राजिन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें एसिटाइल को एंजाइम ए जो है जाके कंजुगेट करता है, जाके जुड़ता है। यहाँ पे एक जो ग्रुप है वो एसिटाइल को एंजाइम ए है जो कंजुगेट करता है अमाइनो और हाइड्राजिन रेसिड्यूल के साथ। मिथाइलेशन में देखेंगे कि अमाइंस और फिनोल्स वगैरह जो कंपाउंड है उसमें मिथाइल ग्रुप जाकर एडिशन होता है, उसका मिथाइलेशन होता है। सल्फेट कंजुगेशंस में जो ग्रुप है, कोई ड्रग्स ग्रुप है, उसको फिनोलिक ग्रुप एस कंपाउंड ग्रुप हो गया या स्ट्राइडल ड्रग्स हो गया, उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा उसमें सल्फेटेड होगा, सल्फोकाइनेज नाम का एंजाइम होगा जिसमें उसमें सल्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, और ग्लाइसिन कंजुगेशंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस भी कंपाउंड में है उसमें कंजुगेशन होगा ग्लाइसिन में। हालांकि देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ग्लाइसिन का कंजुगेशन भी दिखाया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ग्लूकोनिक एसिड की भी कंजुगेशन दिखाया गया, और ग्लूटाथायन कंजुगेशन में मुख्य रूप से क्यूनोन और इपोक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ग्लूटाथायोन जाके ऐड होगा और उसको इनएक्टिव करता है, क्योंकि ये जितने भी है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो क्यूनोन्स और इपोक्साइड नामक कोई भी केमिकल्स बॉडी में बनता है या किसी ड्रग्स का मेटाबोलाइट है जो काफी हार्मफुल है, तो उसके साथ ग्लूटाथायोन जाके कंजुगेट करेगा और उसको इनएक्टिव करेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। ड्रग का मेटाबॉलिज्म मुख्य रूप से माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू हो सकता है या फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू माना जाता है। तो अब देखते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स में। माइक्रोसोमल एंजाइम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिचुएटेड होता है, यह मुख्य रूप से लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन के मुकोसा में और लंग्स में पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस के साथ साथ ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन। तो हम ध्यान दें ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन एक सिंथेटिक है, दैट इज द सिंथेटिक रिएक्शन है ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, बाकी जितने भी थी वो नॉन सिंथेटिक में आते हैं। तो हम देखेंगे फिर से यहाँ पे कि कैटालाइज करता है वो मुख्य रूप से नॉन सिंथेटिक ग्रुप्स को, जैसे ऑक्सीडेशन करेगा तो नॉन सिंथेटिक मेटाबोलिज्म हुआ या बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिडक्शन भी नॉन सिंथेटिक हुआ, हाइड्रोलिसिस
इसिस भी नॉन सिंथेटिक हुआ, लेकिन एक सिंथेटिक रिएक्शंस भी करता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, माइक्रोसोमल एंजाइम जो मुख्य रूप से होता है ग्लुकुरोनाइड कंजुगेशंस। यहाँ कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व है माइक्रोसोमल एंजाइम्स, इसका नाम है मोनो ऑक्सीजनेस साइटोक्रोम P450 ग्लुकुरोनिल ट्रांसफरेज, ये कुछ ऐसे माइक्रोसोमल एंजाइम्स है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। बात करते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, ये मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये मुख्य रूप से नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं हेपेटिक सेल्स में और कुछ टिश्यूज में, यहाँ तक कि प्लाज्मा में भी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये कैटालाइज करते हैं कुछ ऑक्सीडेशन को और कुछ रिडक्शन को और बहुत सारे कंजुगेशन रिएक्शंस को, एक्सेप्ट बोलते हैं ग्लुकुरोनिलेशन, क्योंकि इसको करता है कौन, माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो हम देखेंगे कि ये मुख्य रूप से सिंथेटिक रिएक्शंस के लिए जाना जाता है। सिंथेटिक रिएक्शंस में कौन कौन से कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट, ग्लाइसिन और ग्लूटाथियोन, ये सभी आते हैं, सिर्फ ग्लुकुरोनाइड कंजुगेशंस में इसका नाम नहीं आता है। तो हम बात करेंगे कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जो होता है वो सिंथेटिक रिएक्शंस करते हैं, सिंथेटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, जबकि माइक्रोसोमल मुख्य रूप से नॉन सिंथेटिक के लिए, एक्सेप्ट फॉर द ग्लुकुरोनाइड कंजुगेशन, ये एक सिंथेटिक इसमें आता है। यहाँ पे भी देखेंगे कि नॉन सिंथेटिक में कुछ ऑक्सीडेशन और को रिडक्शन आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये सिंथेटिक रिएक्शंस को ही करता है, एक्सेप्ट फॉर द ग्लुकुरोनिलेशंस को। इसमें कुछ प्रोटीन्स है जैसे फ्लेवोप्रोटीन्स, ऑक्सीडेज, स्टरेज, अमाइडेज और ग्लू कंजुगेजेस, ये कुछ इंजाइम्स हैं जो नॉन माइक्रोसोमल इंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं। दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस देखते हैं। दे आर इंड्यूस्ड बाय ड्रग, दे डज नॉट इंड्यूस बाय ड्रग। ड्रग इंडक्शंस क्या होता है, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ड्रग्स को इंड्यूस करना क्या होता है। माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं कि दे आर इंड्यूस्ड बाय द ड्रग्स, ड्रग्स का कंसंट्रेशन से इनका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। सपोज करो कि इंड्यूसेबल क्या होता है और एक्टिवेशन क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। कोई ड्रग यदि किसी एंजाइम को इंड्यूस कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि हमने किसी ड्रग्स को कंज्यूम किया और ड्रग्स के कारण उस पार्टिकुलर एंजाइम का सिंथेसिस इंक्रीज हुआ है, वो एंजाइम ज्यादा कंसंट्रेशन में बनने लगा है थ्रू द सिंपल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, वो हमने पढ़ा होगा। तो ड्रग ने इंड्यूस किया एंजाइम को, मतलब ड्रग ने माइक्रोसोमल एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम को ड्रग इंड्यूस करता हुआ नहीं देखा। मतलब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम जितने कंसंट्रेशन में बनते हैं उतना ही बनेगा, ड्रग्स लिया तो भी उसके कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ड्रग्स करने का मतलब एक्सोजीनियस सब्सटेंस है जो हम बाहर से लेते हैं, हमारे शरीर में ड्रग्स नहीं बनते, इंडोजीनियस सब्सटेंस में हार्मोन्स वगैरह आते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर अब्सेंट इन न्यू बॉन्स, माइक्रोसोमल एंजाइम्स न्यू बॉन्स में होता ही नहीं है, लेकिन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होता है वो न्यू बॉन्स में देखा जाता है, ये भी अब्सेंट होता है, सॉरी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी न्यू बॉन्स में अब्सेंट होता है, दोनों अब्सेंट होते हैं माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ये मुख्य रूप से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा। और ये होता है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोसोमल एंजाइम मुख्य रूप से लिवर में, किडनी में, इंटेस्टिनल मुकोसा और लंग्स में पाया जाता है, जबकि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम मुख्य रूप से हेपेटिक सेल्स में और अदर टिश्यू इंक्लूडिंग प्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है माइक्रोसोमल एंजाइम में, मतलब उसके जो रूप होता है वो एक ही तरह का होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, बहुत तरह के नहीं होते, जबकि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है, जैसे एसिटाइल ट्रांसफरेज या स्यूडोकोलिन स्टरेज, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसके काफी सारे रूप देखे जाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से वर्क करेगा, बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म है इसके, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के। तो हम बात करते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट की। अब ह्यूमन सब्जेक्ट या तो एक्सटेंसिव मेटाबोलिज्म होगा या पुअर मेटाबोलाइजर होगा। मेटाबोलिज्म भी अलग अलग होता है ड्रग्स का अलग अलग बॉडी में। जैसे हम बात करें, कोई ड्रग्स ब्लैक्स में और कोई ड्रग्स व्हाइट में अलग अलग मेटाबोलिज्म एक्टिविटी को जन्म देता है। सपोज करो किसी में मेटाबोलिज्म बहुत तेजी से हो रहा है तो ड्रग्स उसके शरीर से एक्टिव ड्रग जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, मेटाबोलाइट हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा या बॉडी से बाहर चला जाएगा। मेटाबॉलिज्म का मुख्य रूप अर्थ होता है कि ड्रग्स को दूसरे रूप में बदलना, और जनरली मेटाबॉलिज्म में ड्रग्स जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में जाता है, हालांकि कुछ में एक्टिव फॉर्म में भी जाता है। तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म करेगा
तो जनरली ड्रग्स जो है एक्टिव ड्रग चूंकि हम लेते हैं जनरली, तो एक्टिव ड्रग इनएक्टिव हो जाएगा। और पुअर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, यदि हमने ड्रग्स को एक्टिव ड्रग लिया है तो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे ड्रग्स का कंसंट्रेशन जो है उसके शरीर से कम होगा। जबकि एक्टेंसिव मेटाबॉलिज्म में एक्टिव ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत तेजी से कम होता है, तो हमें फिर से ड्रग देने की जरूरत पड़ेगी एक्टेंसिव मेटाबॉलिज्म में। होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन ने एक तर्क दिया था, उसने कहा था कि ये जरूरी नहीं कि एंजाइम्स ही प्रेजेंट हो हमारे बॉडी में, चाहे वो माइक्रोजोमल या नॉन माइक्रोजोमल, इसके अलावा भी बॉडी में स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होते हैं किसी भी एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और उस कारण से भी ड्रग इनएक्टिव हो सकते विदाउट प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। उसने एक एग्जांपल दिया था इट्रा क्यूरियम का, एक ऐसा ड्रग्स है जिसको विदाउट एजेंसी ऑफ एंजाइम्स की मदद से ही बॉडी उस खुद ब खुद इनएक्टिव कर सकता है। तो ये होफमैन ने कहा था कि होफमैन एलिमिनेशन से कहा गया था, एलिमिनेशन इसलिए क्योंकि ये इनएक्टिवेशन होने के बाद बॉडी से बाहर निकल जाता, तो होफमैन एलिमिनेशन में इसी की चर्चा है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एट्राक्यूरियम नामक एक ड्रग्स का जो विदाउट एजेंसी ऑफ एंजाइम्स का भी इनएक्टिवेशन हो सकता है, कोई एंजाइम नहीं चाहिए इसे। एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, वन ड्रग इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर, एक ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर सकता है। इसका कारण बताया गया है तीन मुख्य रूप से। पहला, दोनों ड्रग, ड्रग ए और ड्रग बी, दोनों सेम एंजाइम को यूटिलाइज कर रहा है, तो अब चूंकि उस पर या तो ड्रग ए बाइंड होगा या ड्रग बी बाइंड होगा या दोनों बाइंड हो रहा है, तो सिमल्टेनियसली कभी ड्रग ए बाइंड होगा कभी ड्रग बी बाइंड होगा, इससे क्या होगा कि दोनों ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होगा। जो ड्रग ज्यादा बाइंड करेगा उसका मेटाबॉलिज्म तेजी से होगा, जो ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगा उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा। दोनों एक ही एंजाइम्स पे डिपेंड करते हैं, या फिर कोफैक्टर दोनों एक ही यूटिलाइज कर रहे हैं। सपोज करो कि एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है। आपने एंजाइम चैप्टर से पढ़ा होगा कि एंजाइम में कोफैक्टर होते हैं जो मुख्य रूप से नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, वो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। यदि दोनों सेम कोफैक्टर को यूटिलाइज करता है, तो चूंकि कोफैक्टर के यूटिलाइजेशन के कारण, चूंकि एक का कोफैक्टर ज्यादा यूटिलाइज करेगा कोफैक्टर की कमी होगी, तो कोफैक्टर कम होगा तो एंजाइम भी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो नतीजा ये होगा कि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। और तीसरा कारण है कि हेपेटिक फ्लो का रिडक्शन करता है कोई ड्रग्स। सपोज करो एक ड्रग हेपेटिक में मेटाबॉलिज्म के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरा ड्रग हेपेटिक के फ्लो को बहुत कम कर दिया, ब्लड का सप्लाई जो है हेपेटिक में तक स्लो कर दिया, तो ड्रग जो होता है हेपेटिक में ही रहेगा, लीवर में ही रहेगा। यदि लीवर में ब्लड का सप्लाई बहुत तेजी से हो गया है, तो ड्रग्स लीवर से निकल के, ठीक है, लीवर से निकल के कहां चला जाता है, तो यहां पे अदर रीजंस भी है कि रिड्यूस द हेपेटिक फ्लो, इसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर सकता है, इसको अफेक्ट करेगा। तो माइक्रोजोमल एंजाइम्स इंडक्शंस में हम बात करें कि मेनी ड्रग्स माइक्रोजोमल किस तरह से ड्रग जो होता है माइक्रोजोमल एंजाइम का इंडक्शन करता है, इसको हम सिंपली समझते हैं, हालांकि हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि ड्रग्स इंटरेक्ट करता है पहले डीएनए के साथ, फिर माइक्रोजोमल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ट्रांसक्रिप्टन और ट्रांसलेशन से, और उस प्रोटीन से इंड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म अनदर ड्रग्स का और सेम ड्रग्स का, इंड्यूसेबल ड्रग्स का। तो सबसे पहले ड्रग्स हमने कंज्यूम किया, उसने डीएनए में इंटरेक्ट किया, उसके बाद उसने वो प्रोटीन बनाया जो कि एंजाइम्स का रूप लेती है, और वो एंजाइम्स ने फिर या तो उसी ड्रग्स को या फिर किसी दूसरे ड्रग्स को मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, इंड्यूस किया। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ माइक्रोजोबल एंजाइम है और वो ड्रग्स को, किस ड्रग्स को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि CYP3A आइसो एंजाइम, इसे इंड्यूस करता है फेनोबार्बिटोन, रिफाम्पिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब यदि इन तीनों ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं तो ये CYP3A आइसो एंजाइम नामक माइक्रोसोमल एंजाइम को बढ़ाएगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से ज्यादा बनाएगा। दूसरा है फेनोबार्बिटोन, फेनोबार्बिटोन CYB2B1 के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा। तीसरा है रिफाम्पिन, रिफाम्पिन भी CYP2D6 नामक माइक्रोजोमल एंजाइम को इंड्यूस करेगा। चौथा है आइसोनियाजाइड और अल्कोहल कंजम्पशन, ये CYP2E1 नामक आइसो एंजाइम्स या माइक्रोजोमल एंजाइम को बढ़ाता है, और CYP1A नामक माइक्रो एंजाइम्स को बढ़ाने वाला ड्रग्स है,
बेंजोपायरिन और 2-methylcholanthrin। अब देखते हैं कंसिक्वेंस ऑफ माइक्रोजोमल एंजाइम इंडक्शंस। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ ड्रग। सपोज करो हम फेनिटोइन का कंज्यूम करते हैं और उसी वक्त वो महिला जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले रही है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे फेलियर हुआ वो समझिए पहले। फेनिटोइन ने उस एंजाइम को एक्टिवेट किया है या इंड्यूस किया है, उस माइक्रोजोमल एंजाइम को इंड्यूस किया है जिससे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म होता था। तो जैसे हमने फेनिटोइन लिया, फेनिटोइन ने उस एंजाइम को ज्यादा बना दिया, इंड्यूस किया, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में बना दिया। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यदि कंज्यूम कोई महिला कर रही है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सपोज करो मालाडी जैसा प्रिपरेशन हम कंज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं, तो मालाडी कब लेना है, 28 दिन तक लेना है। लेकिन वो महिला समझ रही कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से सेफर है, ऐसा नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अब सेफर नहीं रहेगा क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी उसका मेटाबॉलिज्म तेजी से होने लगा क्योंकि फेनिटोइन भी वो ले रही है। फेनिटोइन ने उस एंजाइम को एक्टिवेट कर इंड्यूस किया है जिससे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म होता था, तो ज्यादा एंजाइम बनने लगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ज्यादा मेटाबोलाइट होने लगा, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो इफेक्ट था कि वो खत्म हो जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि जब महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले उसके बाद वो इंटरकोर्स करे किसी मेल से तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी। दूसरा है पारासिटामोल मेटाबोलाइट प्रोन टू टॉक्सिसिटी। कभी कभी क्या होता है, एक पारासिटामोल से एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी बनता है जो कि बहुत ही लेस कंसंट्रेशन बनता है, तो पारासिटामोल सेफ ड्रग माना जाता है। लेकिन हमने एक ऐसा ड्रग लिया है जिसने उस एंजाइम को इंड्यूस कर दिया जिससे पारासिटामोल का मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से हो गया, तो सिंपली पारासिटामोल से जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनने वाले थे वो बहुत लेस बनते हैं, लेकिन पारासिटामोल ज्यादा मेटाबोलाइट होने लगेगा तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस लेस बनता था अब वो भी ज्यादा बनने लगेगा, तो उससे टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। तीसरा है रिफाम्पिन और कार्बामेजिन, ये खुद के मेटाबोलिज्म को इंक्रीज करते हैं, सेल्फ इंड्यूस है। मतलब रिफाम्पिन हमने लिया है एक ड्रग्स तो उसने उस एंजाइम को बढ़ाया है जिससे रिफाम्पिन का ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, इसको कहते हैं ऑन मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करना। तो इसमें टॉलरेंस का कांसेप्ट आता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि पहले से ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग लेना पड़ेगा आपको। जैसे हमने कहा कभी किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो शुरुआत में अल्कोहल बहुत लेस कंसंट्रेशन करता है, फिर बाद में अल्कोहल क्या करता है बहुत सारे एंजाइम को इंड्यूस कर देता है ताकि वो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ाता है। तो सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप ज्यादा कंसंट्रेशन में अल्कोहल को लेते जाते हो और अल्कोहल क्या करता है वो अपने ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो हर एक बार आप कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल का बढ़ाते जाते हो सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने। उसी तरीके से रिफाम्पिन भी अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा इसका, और कार्बामेजिपान का भी कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन मुख्य रूप से चार रूट से देखी जाती है। यहाँ पे बात की, चार से ज्यादा रूट्स की चर्चा की गई है, पांच या छह रूट्स की चर्चा की गई है। पहला है किडनी के द्वारा, फीसेस के द्वारा, लंग्स के द्वारा, स्वेट, सलाइबा और मिल्क, ये जो रूट्स है इसके द्वारा एक्सक्रीशन माना जाता है। तो बात करते हैं किडनी। किडनी से एलिमिनेट होने के लिए मुख्य रूप से तीन चीजें आती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर का रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन तीनों को समझते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से एलिमिनेट होने के लिए ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर या पोर साइज पर डिपेंड करता है। यदि पोर साइज से कोई चीज बड़ी है तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी, पोर साइज से छोटा है तो फिल्टर हो सकता है। यहां पर लिक्विड सोल्यूबल या इनसोल्यूबल कोई भी सब्सटेंस है यदि वो साइज में छोटा है तो आसानी से पोर साइज से वो निकल सकता है। और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग जो है, जो प्लाज्मा में बाइंड है, वो क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बड़ा साइज का होता है, उस पर यदि कोई प्रोटीन, उस पर कोई ड्रग यदि बाइंड है तो प्लाज्मा प्रोटीन तो साइज पोर साइज में बड़ा होता है तो उसमें बाइंड होने वाले ड्रग्स भी वो फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये पीएच इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने कहा था फिल्ट्रेशन इज अ पीएच डिपेंडेंट, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द पीएच।
ये सिर्फ डिपेंड करता है पोर साइज पे। पोर साइज से बड़ा ड्रग है तो नहीं फिल्टर होगा, पोर साइज से छोटा ड्रग है तो वो फिल्टर हो जाएगा। पीएच के कारण कभी कभी आयोनाइजेशन होता है, एसिड बेसिक पीएच में और बेसिक एसिड एसिडिक पीएच में आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन आयोनाइजेशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यदि आयन भी हो गया है तो वो पोर से छोटा है तो निकल जाएगा, और अनआयनाइज भी है और पोर से छोटा है तो वो फिल्ट्रेशन होगा। जबकि ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की बात की जाए तो लिपिड सोलुबिलिटी पर डिपेंड करता है, पीएच डिपेंडेंट है, यहाँ पे आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन ही पीएच डिपेंडेंट है। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन जो है पैसिव डिफ्यूजन को दर्शाता है, जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक एसिड या बेस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक पैसिव डिफ्यूजन, एक फिल्ट्रेशन और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन को दिखाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन को दिखाता है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दिखाता है, जिसमें हम देख बात करेंगे कि पीएच डिपेंडेंट जो है पैसिव डिफ्यूजन होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का। इंटेरोहेपेटिक संट्स, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं।